एडीजी अखिल कुमार द्वारा पुलिस की बेहतर छवि आम जनमानस में लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में एडीजी द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग से पुलिस द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के साथ ही आम लोगों को वॉलंटियर के रूप में स्थापित करने के लिए एडीजी जोन में ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को आवेदन करने की बात कही थी, जिस पर शनिवार को 5 युवा वॉलंटियर एडीजी से मुलाकात कर अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया। वहीं एडीजी भी उनसे वार्ता कर उनका उन्होंने उत्साहवर्धन किया। ये 3 बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए शुरुआत में, ठीक है। और एक ये आपका क्या नाम बेटा? अमन त्रिपाठी। अमन त्रिपाठी, एक अमन को दे दीजिए, आप एक अनिरुद्ध को दे दीजिए, और आप ये तीनों की एक टीम बना दीजिए। तीन बच्चों, फिर आगे बात कीजिए, ठीक है ना? तो वो स्टोरीज आप हमसे चेक कर लीजिएगा कि कौन सी स्टोरी दे रही है, और अखबारों में भी ये डाल दीजिए, अपने डिपार्टमेंट में भी डाल दीजिए कि हर आरक्षी बीट पुलिस ऑफिसर कोई अच्छी कार्य किया हो और उसको, उसके बाद हम एक बार आपका आ जाएगा तो अलग से YouTube चैनल लॉन्च करेंगे, ठीक है? वो YouTube चैनल लॉन्च करेंगे तो फिर आपको अलग से, ठीक है? और आप लोगों को कोई प्रश्न पूछिए बताइए, आप बड़े हैं, आप बताओ, आपको कुछ दिमाग में जरूरत पड़ेगी छापने के लिए, और आप हम लोग का फोटो डाल के ट्वीट भी कर दीजिएगा। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार व वॉलंटियर अमन त्रिपाठी ने बताया, दिन प्रतिदिन काफी बढ़ता जा रहा है, ये हम और आप अवगत हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान काफ़ी त्वरित हो गया है और काफ़ी लार्ज मार्केट में पहुंचता है। इसके साथ साथ ये देखा जा रहा है कि पुलिस के अंदर बहुत सारे हमारे काम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम हुए होते हैं, बट वो ठीक ढंग से जनता के बीच में नहीं आ पाते। तो इसकी मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे दक्ष कर्मी विभाग में नहीं उपलब्ध हैं जो इस चीज़ को कर सके, और उसकी दक्षता के कारण और इतनी वॉल्यूम होने के कारण हम इस एरिया को नेग्लेक्टेड है। तो इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए भी ये प्रयास किया गया है, जहां हम जनता के लोगों से ही सहायता से आपसी तालमेल से हम अपने अच्छे कार्यों को एम्पलीफाई कर सकें, इसके लिए प्रयास किया गया। इसमें एक वॉलंटियर्स को मांगा गया कि हम ऐसे वॉलंटियर जो सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, जो फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, कैप्शन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में अच्छा कर सकते हैं, वो इच्छुक लोग अपना नाम भेजें। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने अपने आवेदन भेजे हैं, उनमें से प्राथमिक तौर पे हम लोगों ने ऐसे बच्चे चुने जो यंग हैं, और आपने अभी देखा 2-3 छोटे बच्चे 11 12 13 साल के, उन्होंने वॉलंटियर किया कि साहब हम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने अभी प्रथम चरण में 5 लड़के बुलाए थे, उनको हम अलग अलग छोटे छोटे टास्क देंगे जहाँ एक अच्छा काम किया हो। जैसे अभी हाल में देवरिया जनपद में एक महिला प्रसव से काफ़ी पीड़ा में थी, उसको पुलिसकर्मियों ने उठाया, हॉस्पिटल लेके डिलीवरी कराया, और वो इतनी प्रभावित हुई कि बच्चे का नाम ही सिपाही रख दिया। तो एक बड़ी मार्मिक कहानी है और दिल को टच करने वाली कहानी है, लेकिन उसको हम सही ढंग से शायद उतने प्रभावी ढंग से बता नहीं पाए लोगों को। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। बस्ती में एक प्रकरण हुआ जहाँ एक कोई महिला डूबने जा रही थी और उसको पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा के बचाया। तो वो एक इस प्रकार की कहानी को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है, और ऐसे प्रतिदिन बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो हम सच्ची कहानियाँ होती हैं जिसमें लोगों की मदद करती है पुलिस, वो एम्पलीफाई नहीं होती है। सर, पुलिस का कुछ अच्छा काम होता है जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, वो हमारी सहायता से सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से पहुँचाने के बारे में बात हुई है। कितने लोग आप लोग मिले और क्या क्या भूमिका रहेगी बच्चों पे? सर, अभी तो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी कुछ टास्क मिलेंगे, टास्क को पूरा कर किया जाएगा, उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा क्या करना है। आपका इसमें क्या रोल रहेगा? सर, वीडियो एडिटिंग करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे।